अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको लेवलिंग राइज एंड फॉल कैलकुलेशन मेथड के बारे में बताऊंगा। आप इसको कैसे करते हैं, इसके दो बुनियादी नुकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले इफ़ द पॉइंट इज़ हाई टू पॉइंट बी देन राइज। अगर आपका पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से ज़्यादा हो तो ये आपका राइज में आएगा, और आपका दूसरी वैल्यू, सेकंड वैल्यू आपकी, अगर वो आपकी कम हो पॉइंट ए के साथ तो वो आपका फॉल मेथड में आएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस और अपडेट मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आए देखते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं, इसको ये इसका क्या तरीकाकार रहेगा। तो ये देखिए, मेरे पास बैक साइड वैल्यू, ये ऊपर आपके पास, ये आपको बैक साइड, इंटरमीडिएट, फोर साइड, राइज, फॉल, रिड्यूस लेवल, डिस्टेंस और रिमार्क्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरी लेवल बुक का एक सैम्पल हमने इधर बनाया है उसको एक्सेल के अंदर। तो ये देखिए, इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अगर पॉइंट इज़ हाई, ये पॉइंट है हमारा हाई है इस पॉइंट के साथ, तो ये हमारा राइज कॉलम के अंदर आएगा, इज इक्वल टू पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी। इसी तरीके से नेक्स्ट रीडिंग, ये हमारे पास ज़्यादा आएगी इस पॉइंट बी के साथ, ये इधर आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास ये रीडिंग ज़्यादा आएगी हमारी इस वैल्यू के साथ, इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारी ज़्यादा आएगी इस वैल्यू के साथ, ये वैल्यू हमारी ज़्यादा है इसके साथ। और इसके बाद आ गई हमारे पास अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारी बी वैल्यू इस वैल्यू के साथ ज़्यादा है, पहली वैल्यू से ए पॉइंट हमारा कम आएगा और पॉइंट बी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, तो ये हमारे पास आएगी फॉल वाले कॉलम के अंदर, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इज इक्वल टू 1.35 माइनस 1.25, इज इक्वल टू 1.45 माइनस 1.35, इज इक्वल टू 1.50 माइनस 1.45। तो ये देखें, ये अपने अपने कॉलम्स में आ गई हैं, इसमें हमने कोई गैप नहीं देना और ये बिल्कुल कंटिन्यू थी, दिस माइनस दिस, ये आ गई वैल्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये बैक साइड और ये इंटरमीडिएट, इसको हम देख लेते हैं, ये 1.45 और 1.55, हमारा पॉइंट बी ज़्यादा है पॉइंट ए के साथ, ये हमारे पास फॉल्स में आ जाएगा 1.552 माइनस 1.450 इज इक्वल टू 1.47, ये हमारे पास देखें, ये सेकंड वैल्यू कम हो गई और फर्स्ट वैल्यू ज़्यादा, ये हमारे पास राइज वाले कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह 1.40 ये कम है और ये पॉइंट वैल्यू हमारे पास ए ज़्यादा आएगी, ये भी हमारे पास राइज वाले कॉलम में। इसके बाद 1.50 और 1.40, ये हमारे पास वैल्यू ज़्यादा होगी ये इस वैल्यू के मुकाबले में, ये हमारे पास राइज वाले कॉलम में आ जाएगी, सॉरी फॉल वाले कॉलम में। इसी तरह इज इक्वल टू 1.37 और 1.50, हमारे पास बी वैल्यू कम है और ये हमारे पास राइज वाले कॉलम में आ जाएगी। इसी तरीके से आगे हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा है, सेकंड वैल्यू ये माइनस में से माइनस कर दी इसके अंदर से। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 1.45 और 1.512, हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, इज इक्वल टू पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी। और इसी तरीके से लास्ट ये देखें, ये हमने इधर इसको बना लिया है कॉलम को, कि हमें इजी तरीके से ये इस चीज़ की समझ आए। ये राइज वाले कॉलम्स में आ गए हैं और ये हमारे पास फॉल्स वाला कॉलम है। तो आए आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं। राइज का मतलब है कि इधर देखें, ऊपर मैंने आप इधर प्लस का निशान लगाया हुआ है और फॉल्स के अंदर माइनस का निशान। जो राइज रीडिंग होगी वो आपके बी एम में से प्लस होगी और जो फॉल रीडिंग होगी वो इसी ऊपर वाले लेवल से, जो लास्ट लेवल आप कैलकुलेट होगा
उसके अंदर से ये माइनस होएगी। तो हम बी एम की वैल्यू लिखते हैं, ये देखें ये बी एम की वैल्यू मेरे पास है 500 इज इक्वल टू बी एम प्लस 0.09 इज इक्वल टू लास्ट लेवल प्लस रीडिंग इधर मैंने गलत कर दी, ये 15 नंबर ही आएगा आगे। ये देखें ये मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको पता चलता जा रहा है, ये पहला लेवल प्लस और ये उसके सामने वाले रीडिंग्स। इज इक्वल टू अभी हम फॉल वाले कॉलम्स में आ गए, तो ये लेवल माइनस, पहले हमने इधर प्लस किया था और इधर हम माइनस करेंगे। ये देखें ये इसमें हमने प्लस किया हुआ था इस रीडिंग को, और ये रीडिंग राइज वाली इसके अंदर माइनस होगी। इज इक्वल टू माइनस ये आप कैलकुलेटर के साथ करें लेवल बुक के अंदर, तो सेम टू सेम यही मेथड इस्तेमाल होएगा। ये देखें ये मेरे पास फोर साइड प्लस में आ गई थी, आगे मैंने उसको इधर से प्लस कर देना इज इक्वल टू एस माइनस ऑल इज इक्वल टू दिस प्लस राइज इज इक्वल टू दिस प्लस राइज वैल्यू इज इक्वल टू दिस माइनस ये देखें ये मेरे पास एलिवेशन के कैलकुलेटर हो गए सारे कॉलम में, ये हमें समझने में आसानी हो जाए। ये देखें ये पूरी वैल्यू आ गई इसके, ये हमने लेवल कैलकुलेट कर लिए सारे राइज और फॉल मेथड के हिसाब से। तो ये मैं आने के बाद इसको इधर से सम कर लें, जमा कर लें सारी रीडिंग्स को, और फॉल्स की भी सारी रीडिंग्स को आप इधर से इकट्ठा प्लस कर लें। ये देखें इसमें मेरे पर राइज की रीडिंग ज़्यादा है, ये राइज की रीडिंग ज़्यादा है और फॉल्स की कम है भी। तो इसी तरीके से मैं इसको इसमें से माइनस कर लेता हूँ, 0.35 इसका आपस में डिफरेंस आ गया। और तो इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें तो इजी तरीके से इसमें से हम ये देखें ये हमारे पास राज जो राइस की वैल्यू थी वो हमारे पास ज़्यादा थी उसमें से, तो ये लिहाजा बी एम वैल्यू में ये माइनस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास ये बी एम की वैल्यू आएगी पूरी इधर से। सॉरी मैं इसको दोबारा करता हूँ, जैसे दिस माइनस दिस। और अगर आपकी फॉल्स की रीडिंग ज़्यादा होएगी और राइस की रेटिंग कम होएगी तो ये इसमें प्लस होएगा, अदरवाइज इसमें ये माइनस होएगा। देखिए ये मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन की है आपके सामने, इसको मैं अपने आरएल के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, जो हमारा नॉर्मल मेथड है एच। बी एम प्लस बैक साइड इज इक्वल टू एच आई, ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया। दूसरे नंबर पे हम चले जाते हैं एच आई माइनस आई एस इज इक्वल टू आर एल रिड्यूस लेवल। तो ये हमारा एक सिंपल सा
मैं समझने में आसानी हो। तो ये इस लेवल के हिसाब से हम करते हैं इसको आगे, इसकी अच्छाई बनाते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल मेथड यूज़ होता है और आसान मेथड है। ये हमारे पास एच आई की वैल्यू आ गई और इज इक्वल टू, इसी में से आप इस लेवल को हम माइनस करेंगे ये फोर साइड तक। तो इज इक्वल टू, ये देखें, ये एच आई माइनस इंटर साइड, एच आई माइनस ये इंटर साइड आ गए। उसको मैं दस नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ जितने तक हमारे पास वो बना हुआ है। तो इसके लिए एक इधर चीज़ कि आप इसके साथ डॉलर साइन लगा दें ताकि ये आपकी एच आई इधर से लॉक हो जाए, कि इंटर साइड आपकी माइनस होती जाएगी और एच आई आपकी इधर से प्लस रहेगी। तो ताकि ये एक सिंपल फार्मूले के लगाने के लिए बहुत इजी है। तो ये देखें, ये मेरे पास लास्ट रीडिंग आई, इसमें कॉलम वही जा रहा था, मैंने इसमें फोर साइड माइनस करनी है, तो मैं इधर से इसको माइनस करके ये फोर साइड कर देता हूँ। ये मेरी सी पी आ गई थी चेंज पॉइंट। अगर हम इसी तरीके से इसकी वर्किंग दोबारा करते हैं, सी पी के साथ एच आई बनानी पड़ती है हमें इधर। अच्छा, ये के लिए मैं इससे कॉलम और इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमें उसमें परेशानी ना बने। इज इक्वल टू प्लस बैक साइड आ गई हमारे पास, और इज इक्वल टू ये एच आई को हम इसको लॉक कर दिए मैंने एच आई को, और माइनस इंटरमीडिएट रीडिंग्स करके ये मैं इधर तक ले आया। ये देखें, ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी मेरे पास 500 5 2 5 2 5 1 8 8 1 8 3 2 9 3 2 9। ये राइस फाइल का मेथड आपने देखा है कि इस हिसाब में बहुत ही इजी तरीके के साथ इस मेथड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके साथ आपने इधर से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपने बीएम क्लोज कर किया हुआ है, बीएम शिफ्ट किए हुए हैं, तो उस तरीके से आप आगे इसको सबको इकट्ठा प्लस करके दोनों को आपस में माइनस करके और टाइम अपने बचा सकते हैं ये कैलकुलेशन किए बगैर इजी तरीके के साथ। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी आपको जो किसी किस्म की प्रॉब्लम्स या कोई चीज़ सवाल आप पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ये सवाल के बारे में पूछ सकते हैं।